हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं आज हम। तो टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की अगर हम इन्वेंशन की बात करें तो बिटकॉइन नाम की एक डिजिटल करेंसी आती है 2008 में, जिसको बनाया है सातोशी नाकामोटो नाम के एक स्यूडोनिम के पर्सन ने। एंड इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए जो वेरियस रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है पीछे जो काम कर रही है, विच इज़ नोन एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये उसी तरीके से काम कर रही है जैसे हमारे जो सिंपल हम लेजर्स देखते हैं बैंक्स में, तो उसी तरीके से जो पैसे आए, कितने गए, किसने क्या ट्रांजेक्शन की, तो उसी का बेसिकली एक रिकॉर्ड रख रही है ये टेक्नोलॉजी। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन इसको कॉपी नहीं किया जा सकता है, ना ही इसमें कोई मॉडिफिकेशन की जा सकती है। अगर हम सिंपलेस्ट टर्म्स में इसको समझने की ट्राई करें तो ये टाइम स्टैम्प्ड है ऑफ सीरीज ऑफ इम्यूटेबल रिकॉर्ड ऑफ डेटा। तो टाइम के साथ जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है वो परमानेंटली सेव्ड है वहाँ पर। जो डेटा एंट्री कर रहे हैं वो भी कोई सिंगल कंप्यूटर या सिंगल एंटिटी नहीं कर रही, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है। एंड जो सिक्योरिंग है डेटा की, वो क्रिप्टोग्राफिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो डेटा है उसको सेव करके रखा जा रहा है। तो कोई सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। एंड जो शेयर्ड या इम्यूटेबल लेजर है वो सभी के पास अवेलेबल है, हर कोई उसको देख सकता है। एंड अगर कोई ट्रांजेक्शन करना चाहे तो कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई या चेंज नहीं किया जा सकता एक बार जो ट्रांजेक्शन हो गई। एंड जो ब्लॉकचेन है, इट अलाउज द पार्टिसिपेंट ऑन द नेटवर्क टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड इन अ सिक्योर वे, ठीक है जी। एंड जो बिटकॉइन माइनर्स हैं, जो लोग माइन कर रहे हैं, बेसिकली जो बिटकॉइन्स नए बना रहे हैं, तो दे कलेक्ट ऑल द ट्रांजेक्शन्स दैट हैपन द लास्ट 10 मिनट्स ग्लोबली, एंड जो उसका रिकॉर्ड है वो संभाल कर रखते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं एक ब्लॉक। तो जैसे एक अगर हम फिजिकल लेजर की बात करें तो हर पेज पर कुछ एंट्रीज हैं, उसके बाद उसके अगले पेज पर उसकी कंटिन्यूएशन होती है, तो एक इसी तरह से पूरी कंपाइलेशन बन जाती है। इन द सेम वे जो वेरियस ब्लॉक्स हैं, जो 10-10 मिनट्स का रिकॉर्ड है, वो ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली इस पूरे जो ब्लॉक्स की चेन को हम ब्लॉकचेन बोलते हैं, जहां से उसका नाम निकल कर आया है। एंड जो ये टेक्नोलॉजी, अगर हम इसकी यूटिलाइजेशन की बात करें तो इट कैन बी यूज्ड इन रियल एस्टेट सेक्टर या इंश्योरेंस ब्रोकरेज। तो यहां सब चीज़ों पर, जहां पर भी लंबे लंबे रिकॉर्ड्स हमने बनाकर रखने हैं, वहां पर ये टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है बहुत सिक्योर तरीके के साथ। एंड इट इज इवन बिलीव्ड कि ये इंटरनेट का एक नया फ्यूचर है हमारे लिए। एंड जो सबसे लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट हुई है वो क्या है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने जो भी नेचुरल डायमंड्स हैं हमारे, उनको ट्रेस या वेरीफाई करने का एक तरीका बनाया है। इसी के साथ लिंक्ड एक और चीज़ है, विच इज़ इथीरियम। तो ये क्या है, एक डिजिटल करेंसी की तरह ही या क्रिप्टो करेंसी की तरह ही इसको भी यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली बोथ बिटकॉइन एंड ईथर है इसकी क्रिप्टो करेंसी इथीरियम की। तो इसको हम दोनों को क्रिप्टो करेंसी से मानते हैं, लेकिन जो इथीरियम ब्लॉकचेन है वो थोड़ी डिफरेंट है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन से। ऑल्दो जो दोनों में एनोनिमस ट्रांजेक्शन्स हैं होती हैं, एंड दोनों के केस में ही कोई सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो बिटकॉइन है उसमें एवरेज ब्लॉक टाइम है अराउंड 10 मिनट्स, बट जो इथीरियम है वो सिर्फ 12 सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाता है। तो एक तो ये डिफरेंस है टाइम फ्रेम का, जो ब्लॉक है उसके टाइम का। मोर ओवर जो इथीरियम है, इट डज नॉट हैव अ ब्लॉक लिमिट, तो कोई लिमिट नहीं है। जैसे बिटकॉइन के केस में जो ब्लॉक लिमिट है वो 1 MB की है। व्हाट दैट मींस इज कि जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं दैट फिट इन टू अ सिंगल ब्लॉक, वो 1 MB से ज़्यादा नहीं हो सकती, उसके बाद अगला ब्लॉक बनाना पड़ेगा। लेकिन जो इथीरियम है, इसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं जो एक ब्लॉक में रखनी है, वो माइनर्स ही डिसाइड करते हैं, उनके ऊपर है। मोरोवर जो बिटकॉइन है, इट इज़ पिच्ड एज एन अल्टरनेट करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी के रूप में आई है, लेकिन जो इथीरियम है ये पीयर टू पीयर कॉन्ट्रैक्ट्स या एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, इसलिए इसका जो फ्यूचर है वो इस साइड देखा जा रहा है, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं आई प्रिज्म की। सो आई प्रिज्म बेसिकली क्या है, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है अब, उसमें एक सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट है जिसने एसोकेम एंड एरिक्सन इंडिया के साथ मिलकर एक कॉम्पिटिशन रखा है फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की वो एक 30 एंड एक 60 सेकेंड्स की कैटेगरी की, दो हमारे पास कैटेगरीज है इसमें बेसिकली इस कॉम्पिटिशन में, कि वो फिल्म बनाएं ऑन पायरेसी एंड काउंटरफीटिंग, ठीक है जी। एंड एक और कैटेगरी है इसमें इन द कॉम्पिटिशन विच इज़ फॉर गेमिंग ऐप ऑन आईपी, मोबाइल गेमिंग ऐप के लिए भी एक कैटेगरी अलग से रखी गई है। एंड जो कंपटीशन है इट इज़ एम्ड कि वो फॉस्टर करेगा हमारे स्टूडेंट्स में कल्चर ऑफ इनोवेशन एज वेल एज क्रिएटिविटी इन द यंग जनरेशन, एंड इट विल प्रोवाइड यंग क्रिएटर्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू सी देयर क्रिएशंस रिकॉग्नाइज्ड ऑन द नेशनल प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली बच्चों को बूस्ट अप करने के लिए या फिर उनकी उनमें जो कल्चर इंकल्केट करने की बात की जा रही है, कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एक्सीलेंस एंड मोरोवर क्रिएटिविटी एज वेल, कि बच्चे ऐसे कुछ काम करके सामने अपनी क्रिएटिविटी रखें, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास पब्लिक क्लाउड पॉलिसी है, तो इट कुड बी अ क्वेश्चन कि कौन सी स्टेट ने या किस गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी है वो फ्लोट की है, तो इट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपनी पब्लिक क्लाउड पॉलिसी को मैंडेटरी किया है अपने डिपार्टमेंट्स के लिए कि वो जो भी अपनी स्टोरेज हैं वो क्लाउड पर रखें, क्रिएटिंग $2 बिलियन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडस्ट्री। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी उनके रिकॉर्ड्स हैं चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों वो सभी क्लाउड पर अवेलेबल हों रादर देन कीपिंग द फिजिकल कॉपीज ऑफ द डेटा। आगे हमारे पास किलो पार है जो कि नासा का एक प्रोजेक्ट है इन कोलैबोरेशन विद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एंड 2015 से ये स्टार्ट हुआ है। इसकी फुल फॉर्म है किलो पार रिएक्टर यूजिंग स्टर्लिंग टेक्नोलॉजी और क्रस्टी, एंड इसका एम क्या है कि हम इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएं, फिशन पार न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो कि स्पेस ट्रेवल के लिए हेल्पफुल रहें एंड वहां पर जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करें, ठीक है जी। तो फिशन रिएक्टर जो इसमें यूज़ किया जाएगा बेसिकली वो यूरेनियम 235 को यूज़ करेगा टू मेक द एनर्जी या जनरेट हीट, एंड दिस इज़ कॉल्ड कैरेड टू द स्टर्लिंग कन्वर्टर्स वे आर द पैसिव सोडियम हीट पाइप्स। तो ये कुछ हमें इक्विपमेंट चाहिए होगी जो यूरेनियम 235 है जो हीट प्रोड्यूस करेगा, एंड इसके बाद स्टर्लिंग कन्वर्टर्स हैं जिनमें एनर्जी यूटिलाइज की जाएगी वाया द पैसिव सोडियम हीट पाइप्स। एंड इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशन अगर हम बात करें कहाँ पर देखी जा रही है, इन द न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन एंड स्टडी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर क्रूड और रोबोटिक स्पेस मिशंस दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट्स ऑफ पावर स्पेशली वेयर सनलाइट इज लिमिटेड और नॉट अवेलेबल। तो अगर हमने डीप स्पेस मिशंस की तरफ बढ़ना है और ज़्यादा जो अगर लाइफ की अगर हम बात करें वो हमने खोजनी है तो अर्थ से और दूर जाना पड़ेगा, एंड हो सकता है कि वहाँ पर सनलाइट इतनी अबंडेंट में अवेलेबल ना हो। एंड मोर ओवर अगर मैंड मिशन जाने हैं तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एनर्जी कैसे जनरेट की जाए, तो उसी में हमारी हेल्प करेगा ये किलो पार, ठीक है जी। आगे हमारे पास हाइपर लूप टेक्नोलॉजी है, तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको प्रपोज किया था बाय इलॉन मस्क जो कि CEO हैं SpaceX एंड टेस्ला के, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा रियलिटी के करीब आता जा रहा है ये हाइपर लूप कॉन्सेप्ट। एंड इनफैक्ट इंडिया में तो महाराष्ट्र में इसको बनाने की तैयारी भी चल रही है, एंड द आइडिया वाज ओपन सोर्स एंड हाइपरलूप वन वाज फाउंडेड इन 2014 एज वन ऑफ द फर्म्स बिल्डिंग द हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो अभी तक आपको अगर नहीं पता तो ये ट्रांसपोर्टेशन की एक टेक्नोलॉजी इजाद की जा रही है जिसमें क्या होगा, एक कैप्सूल होगा जो कि फ्रिक्शनलेसली ट्रैवल करेगा इन कंट्रोल्ड पाइप्स, जिसमें अगर मैं बिल्कुल लेमन टर्म्स में आपको समझाने की ट्राई करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा बोरो करता है रॉबर्ट गोडार्ड के वेक्टेरियन जो एक ट्यूब थी बेसिकली सील ट्यूब, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट बोरोड है, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की है, बहुत ज़्यादा इसको एफिशिएंट बनाने की ट्राई की जा रही है। कैसे कि एयर रेजिस्टेंस को हम बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं वहाँ पर जो हमारी ट्यूब्स होंगी हाइपरलूप की। तो इसमें होगा क्या, जो कैप्सूल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल करेंगे लो प्रेशर ट्यूब्स में, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, लो प्रेशर ट्यूब्स होंगी इरेक्टेड ऑन कॉलम्स या फिर टनल ग्राउंड में, एंड जो सिस्टम है इज़ फुली ऑटोनमस एंड सील्ड, तो ना कोई ड्राइवर होगा इसमें। इन द सील्ड एनवायरनमेंट विद ऑलमोस्ट नो एयर रेजिस्टेंस जो पॉड्स होंगे या कैप्सूल्स होंगे दे आर एक्सपेक्टेड टू रीच वेरी हाई स्पीड्स, ठीक है जी। तो
अगर हम इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने पुणे मुंबई हाइपर लूप प्रोजेक्ट को अकॉर्ड किया है एंड इसको स्टेटस दिया है ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो स्विस चैलेंज मेथड जो होगा आपने आई होप इकॉनमी में पढ़ा होगा, तो उसके तहत इसको बनाया जा रहा है एंड ये जॉइंट वेंचर है ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट विद वर्जन हाइपरलूप। तो हाईटेक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की बात की जा रही है मुंबई से पुणे तक का, एंड ऐसा माना जा रहा है कि जो टाइम है वो जो ट्रेवल टाइम है वो सिर्फ 25 मिनट तक रिड्यूस होकर रह जाएगा आफ्टर दिस कम्स इन टू बींग। तो जो व्हीकल होते हैं इसमें वो मैग्नेटिक लेविटेशन को यूज़ करते हैं, आपने मैगलैव ट्रेन्स भी शायद पढ़ी होंगी, तो वो भी कुछ सिमिलर ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम होगा इसमें एंड जो फर्स्ट ओपन एयर प्रोपल्शन टेस्ट है वो 2016 में जो टेस्ट किया गया था, इसके बाद फिर सिस्टम का 2017 में फिर से टेस्ट हुआ। एंड जो मोशन है इट विल नॉट इन्वॉल्व एनी कॉन्टैक्ट, तो उसमें तो कोई ऐसे नॉइज़ नहीं जनरेट होगी, तो नॉइसलेस ही रहेगा। लेकिन जो अगर हम बात करें अगर आप ट्यूब के बाहर खड़े हैं एंड फिर वहाँ से कुछ गुजर रहा है तो वहाँ पर थोड़ी जो नॉइज़ है वो होगी ही। तो बिसाइड्स बीइंग फास्ट जो हाइपर लूप है इट इज़ एनर्जी एग्नोस्टिक, यानी किसी फिक्स्ड एक सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, जो भी आपके पास इवन के अगर कार्बन फ्री भी आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं चाहे वो सोलर या विंड हो, तो सभी को यूज़ कर सकता है हाइपर लूप। आगे हमारे पास लाईफाई है, दैट इज़ अनदर वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लाइट एमिटिंग डायोड्स जो होते हैं LEDs उनको यूज़ करके डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। तो लाईफाई इज़ डिज़ाइन टू यूज़ LED लाइट बल्ब्स सिमिलर टू दोज करंटली इन यूज इन मैनी एनर्जी कॉन्शियस होम्स एंड ऑफिस। तो सिमिलर जो हम नॉर्मल लाइफ में हमारी LEDs देखते हैं उन्हीं को यूज़ करके अब हम डेटा को ट्रांसमिट करने की जो है टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। तो लाईफाई बल्ब्स आर आउटफिटेड विद अ चिप जो कि मॉड्यूलेट करती है लाइट इम्परसेप्टिबिलिटी को फॉर ऑप्टिकल डेटा ट्रांसमिशन। तो लाइट के थ्रू अब डेटा ट्रांसमिट होगा एंड जो ट्रांसमिट करेंगे LED बल्ब्स एंड फोटो रिसेप्टर्स होंगे जो इन इस डेटा को कैच करेंगे एंड उसके बाद उसको डिकोड करेंगे। तो लाईफाई की अगर हम बात करें तो अर्ली डेवलपमेंट मॉडल्स आर केपेबल ऑफ 150 Mbps विच इज़ क्वाइट हाई। इनफैक्ट इसी का एक अगर मैं थोड़ा वेरिएंट वर्जन बोलूँ तो जो ऑप्टिकल फाइबर होती है जिसमें अगेन लाइट को ही यूज़ किया जाता है वो भी सिमिलर ही जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करी है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। अगर सपोजिटली ये फाइबर है तो वो उस एंगल पर जो सपोजिटली अगर ये डेटा कैरिंग लाइट है या लाइट रे है तो इस एंगल पर इसको ट्रैवल करवाएगी कि जो इसकी रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल अंदर ही अंदर रहे एंड जो फाइबर है उसके बाहर ना जाए। तो इसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड हम अचीव कर सकते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने की एंड लॉस काफ़ी कम होते हैं। तो बेनिफिट्स क्या हैं, एक तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड्स हैं वाईफाई के कंपैरिजन में एंड ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है रेडियो वेव्स का इसमें एंड अनइम्पेडेड बाय द रेडियो इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है एंड इवन के इट एलिमिनेट्स द नेबरिंग नेटवर्क इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा दूर डिस्टेंस के ऊपर इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, आगे हमारे पास वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जो आपने वोल्ट देखा होगा स्पेशली आपके जियो के मोबाइल में, तो इस टेक्नोलॉजी के आप जिक्र करते हैं। तो ये काफ़ी फास्ट बेटर एंड वाइडर डेटा कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है वोल्ट टेक्नोलॉजी। इसके पहले जो आपने GPRS या एज नेटवर्क देखा होगा, उसके बाद हमारा 2G आया, फिर 3G आया एंड अब 4G आने के बाद इवन 5G तक जाने की बात हो रही है 2020 तक। तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं कि जो हमारी पहले सबसे पहले LTE टेक्नोलॉजी थी, जो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी थी वोल्ट से पहले, उसमें क्या होता था कि वो सिर्फ जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन है इंटरनेट का डेटा उसको अलाउ करती थी एंड अगर आपको वॉइस कॉल करनी है तो यू अगेन हैड टू स्विच बैक टू 2G और 3G नेटवर्क। तो उसी के बेस पर उसी के
के थ्रू रूट करके वो आपकी वॉइस कॉल को पॉसिबल करवाती थी। तो इसका लेकिन अब नुकसान क्या था कि अगर आप 4G डेटा सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपने कॉल करना है तो अगेन योर डेटा वुड अगेन बी रूटेड थ्रू 2G और 3G, एंड इसीलिए अगर आप ऑन कॉल हैं तो आप 4G डेटा सर्विसेज को एंजॉय नहीं कर सकते थे। एंड इससे होता क्या था, इंटरनेट स्लो होता था एंड पुअर वॉइस क्लैरिटी आती थी। इसीलिए अब जो नई टेक्नोलॉजी है वोल्ट, विच इज़ वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ये वॉइस कॉल्स को भी पैकेज करती है एज थ्रू डेटा। सो इट अलाउज वॉइस कॉल्स टू बी पैकेज्ड एंड कैरिड थ्रू द LTE नेटवर्क। तो ये अगेन हाई स्पीड नेटवर्क के थ्रू ही आपकी जो वॉइस कॉल्स हैं उनको भी पॉसिबल करवा रही है। दिस वुड मीन 4G डेटा एक्सेसिबिलिटी इवन ड्यूरिंग कॉल्स। तो जो हमारी लिमिटेशन थी LTE में वो इसने एलिमिनेट कर दी। सो वोल्ट इज़ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टीमीडिया सब सिस्टम, IMS सिस्टम है ये। स्पेसिफिकेशन दैट इनेबल्स अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज टू ऑपरेट सीमलेसली ऑन द नेटवर्क रादर देन हैविंग टू सर्च टू डिफरेंट एप्लीकेशंस फॉर वॉइस और वीडियो, जो हमने ऊपर चीज़ पढ़ी थी। बेसिकली उसी की जो शॉर्टकमिंग है उसको ये इसका बेनिफिट बता रहे हैं कि वोल्ट में ये चीज़ें नहीं होती। एंड इफ वोल्ट बिकम्स अ रियलिटी इट कुड इनेबल कॉल क्वालिटी दैट इज़ मच सुपीरियर टू द प्रीवियस नेटवर्क्स। तो जैसे अब आप होपफुली विटनेस कर पा रहे होंगे, जब आप अपने 4G इनेबल्ड हैंडसेट से कॉल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प डिजिटल वॉइस हमें मिलती है। तो सिंस जो वोल्ट है वो वॉइस कॉल्स को भी डेटा यूजेज में ही काउंट करता है, तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि जो आपकी ओवरऑल बिल कंजम्पशन है, डेटा कंजम्पशन है, वो बढ़ जाएगी एंड रादर देन एंड इसीलिए उसको यूज़ किया जाएगा इन योर डेटा बिल ओनली रादर देन द मिनट्स ऑफ यूजेज। तो जैसे आपने एक चीज़ विटनेस की होगी कि आफ्टर जियो जो वॉइस कॉल्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही जो हमारे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इनफैक्ट जो आपको चार्जेस हैं वो सिर्फ डेटा के ही लग रहे हैं। तो दिस इज़ द रीज़न ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वोल्ट है वो आपकी कॉल वॉइस कॉल्स को भी डेटा यूजेज में ही काउंट कर रहा है। एंड वोल्ट कैन ऑल्सो एक्सटेंड और सेव योर बैटरी लाइफ। तो इसके लिए भी ये जो आपने रिसेंटली विटनेस किया होगा कि आपकी फ़ोन्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो गई है, क्योंकि जो वोल्ट है वो बैटरी लाइफ को भी एक्सटेंड करता है। एंड इन द प्रेजेंट सिनेरियो जो नेटवर्क है उसको बार बार स्विच नहीं करना पड़ता जब आप कॉल यूज़ कर रहे हैं। सपोजिटली 4G यूज़ करते करते अगर आप कॉल कर रहे हैं तो वो उसी नेटवर्क के ऊपर ही आपकी कॉल को फैसिलिटेट कर देगा, इसलिए बार बार फ़ोन की जो बैटरी है वो वहाँ पर यूज़ नहीं हो रही एंड इसलिए बैटरी ज़्यादा चल रही है। ठीक है जी, आगे हमारे पास मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी है। ये भी एक सेलुलर टेक्नोलॉजी ही है जो ट्रांसमिट कर रही है डेटा ओवर द रेडियो वेव्स। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा, हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है इस चीज़ को, कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है सबसे एंड में होते हैं गामा रेज, जो कि सबसे ज़्यादा जिनकी फ्रीक्वेंसी है एंड सबसे कम वेवलेंथ है। एंड अगर हम ऐसे कम करते करते आएँ, यहाँ पर इसके नीचे यूवी रेज होंगी हमारी, उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम है, देन वी हैव इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स हैं एंड सबसे जो ज़्यादा वेवलेंथ जिनकी है वो है रेडियो वेव्स। ठीक है जी, तो एक जो फंडामेंटल रूल क्या है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी एंड जो अकॉर्डिंगली ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज पर आप ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है जी, एंड जो मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी है बेसिकली इट रेफर्स टू सिग्नल्स विद अ वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ कितनी है मिलीमीटर्स में वेवलेंथ है, एंड अकॉर्डिंगली उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 30 GHz से 300 GHz तक की। तो इनमें जो एंटीनास हैं दैट आर यूज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, कंपेरेटिवली स्मॉलर देन द वंस वी विटनेस यूजली। बट अब होगा क्या कि क्योंकि आपकी अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है एंड वेवलेंथ कम हो गई है, तो जो आपकी डेटा ट्रांसमिशन की रेंज होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इट विल बिकम शॉर्टर। एंड एक दूसरा नुकसान क्या है कि इंटरफेरेंस बढ़ जाती है, जो डिस्टर्बेंस है डेटा ट्रांसमिशन में वो अब बढ़ जाएगी। एंड जो इंटरफेरेंस होगी किन किन चीज़ों की, वॉल्स, बिल्डिंग्स, विंडो पेन से लेकर इवन जो रेन ड्रॉप्स हैं वो भी आपके डेटा ट्रांसमिशन में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक शॉर्टकमिंग है आपकी जो मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी है उसकी।
इसके बाद जो अगर हम नॉर्मल हमारे रेडियो या सेलुलर टेक्नोलॉजी की अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें हमें काफ़ी कम अमाउंट ऑफ एंटीनास चाहिए होते हैं। ऑल्दो जो एंटीनास चाहिए वो बड़े एंटीना चाहिए होते हैं लेकिन उनका नंबर कम चाहिए होता है। लेकिन जो हमारी मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी के जो रिसीवर्स होंगे, जो एंटीनास होंगे, वो ऑल्दो साइज़ में छोटे होंगे लेकिन काफ़ी स्प्रेड आउट चाहिए हमें थ्रू आउट द सिटी या कंट्री, अगर हमें अच्छा उनसे परफॉर्म करवाना है तो। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारी मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी के बारे में। आगे वी हैव 5G विच इज़ द नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन ऑफ द मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो जैसे आप सबको पता है हमारे अगर हम पहले को जी बोल सकते हैं उस जिसमें GPRS या एज नेटवर्क होते थे, उसके बाद वी हैव 2G 3G 4G एंड नेक्स्ट इज 5G विच विल प्रॉमिस मच फास्टर डेटा डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड्स, ज़्यादा वाइडर कवरेज एंड मोर स्टेबल कनेक्शंस। प्रेजेंटली अगर आप किसी क्राउडेड जगह पर जाते हैं तो यू माइट फील के जो आपकी इंटरनेट की स्पीड है वो कम हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा कम जो स्पेक्ट्रम है, रेडियो स्पेक्ट्रम है, वो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत कम एरिया में। ठीक है जी, तो इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए जो हमारी 5G टेक्नोलॉजी है बेसिकली इस चीज़ को भी एलिमिनेट करेगी एंड एक लिमिटेड जो हमारी यूजेज है उसको बढ़ाएगी। कैसे? इट विल मेक बेटर यूज़ ऑफ द रेडियो स्पेक्ट्रम एंड इनेबल करेगी कि ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होकर एक्सेस कर पाएँ मोबाइल इंटरनेट एट द सेम टाइम। एंड 5G इज़ मच बेटर एट हैंडलिंग थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस साइमल्टेनियसली, फ्रॉम मोबाइल्स टू इक्विपमेंट सेंसर्स, वीडियो कैमराज टू स्ट्रीट स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स, ये सब चीज़ें। तो इसलिए जो हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसके लिए भी ये ज़रूरी है ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद करना, क्योंकि अकॉर्डिंगली फिर मल्टीपल अगर डिवाइसेस होंगी सबके घर में जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली डिवाइसेस होंगी तो अकॉर्डिंगली लोड बढ़ेगा हमारे स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो इसलिए उसकी अच्छी यूटिलाइजेशन होनी भी ज़रूरी है। दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें 4G एंड 5G में, तो जो 4G है वो बेसिकली कम्युनिकेशन फॉर द पीपल के लिए बनाया गया है, वेयर एज जो हमारा 5G है वो इन एडिशन टू पीपल जो वेरियस कनेक्टेड थिंग्स हैं, जैसे हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की, उनके लिए जो उसका बेसिक आइडिया है उनको केटर करने का है। एंड विद स्पीड्स अप टू 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड जो 5G है वो 1000 times ज़्यादा फास्ट होगा देन द 4G कनेक्शन दैट वी आर करंटली यूजिंग। एंड 5G विल हाउएवर मेक कम्युनिकेशन सो फास्ट दैट दे बिकम ऑलमोस्ट रियल टाइम, तो पुटिंग मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज ऑन पार विद ऑफिस सर्विसेज। तो इतनी कैपेबिलिटी रखता है जी हमारा 5G। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फूड्स, तो GMOs के बारे में बात करते हैं। GMOs आर दोज ऑर्गेनिजम्स जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है उनको थोड़ा ऑल्टर कर दिया गया है इन सच अ वे कि वो नेचुरली ऐसे मेटिंग करने से या फिर नेचुरल रिकॉम्बिनेशन से ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी, एंड इट अलाउ सिलेक्टेड इंडिविजुअल जीन्स टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, चाहे वो रिलेटेड हों या अनरिलेटेड स्पीशीज हो, उनमें ट्रांसफ़र करना किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जीन को, वो सब पार्ट बनता है हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का। एंड अगर ये सब चीज़ें हम फूड्स के साथ कर रहे हैं तो हम उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स बोलते हैं। बैक्टीरिया एंड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइस है हमारा, ये सबसे पहले GM ऑर्गेनिजम्स थे। बैक्टीरिया को 1973 में मॉडिफाई करके देखा गया एंड उसके बाद 1974 में जो GM माइस है उसको बनाया गया। एंड इन 1982 जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया थे दे वर द फर्स्ट टू बी कमर्शलाइज्ड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हैव बीन सोल्ड सिंस 1994। तो 1982 में जो हमारा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है उसको कमर्शलाइज्ड किया गया, उसके बाद जो हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं वो 1994 के बाद से मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अब ज़रूरत क्या थी, हमें क्यों जेनेटिकली मॉडिफाइड करना पड़ा ऑर्गेनिजम्स को? सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो क्रॉप प्रोटेक्शन, तो कुछ इस तरह के जो पेस्ट हैं या जो डिजीज़ हैं वो इवॉल्व कर जाते हैं विद टाइम, जिनके ऊपर जो हमारी रेगुलर पेस्टिसाइड्स या जो रेगुलर हमारे इनहिबिटर्स हैं उनके जो इफ़ेक्ट हैं वो कम हो जाते हैं, अकॉर्डिंगली वो उसके बाद फिर क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो इसीलिए अब हमें अगर इन सब चीज़ों से इजाद चाहिए तो अकॉर्डिंगली वी हैड टू डेवलप दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जैसे जो हमारा BT कॉटन है, बेसिलस थुरिंजियंसिस, जो उसमें बैक्टीरियम है बेसिकली, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जो बॉलवॉर्म था, उस जो पेस्ट था बेसिकली,
उसके ऊपर कंट्रोल किया गया। एंड जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट दीज इंसेक्ट्स इज अचीव्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग इनटू द फूड प्लांट द जीन फॉर टॉक्सिन प्रोडक्शन फ्रॉम द बीटी स्पीशीज। तो बेसिकली होता क्या है कि हमने एक इस तरह का जीन डाल दिया उस प्लांट में कि जब भी वो पेस्ट या इंसेक्ट जब उसको खाने की कोशिश करेगा, चाहे वो प्लांट का कोई भी पार्ट हो या फिर टारगेटेड एरिया ही हो, तो उसके गट में जाकर वो जो हमारा ये बैक्टीरियम है बीटी, ये उसको किल कर देगा। तो उतना टाइम ये जो हमारा बीटी बैक्टीरियम है एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि जो हमारा इंसेक्ट है या पेस्ट है उसके गट तक ना पहुंचे। तो जो ह्यूमंस है लेकिन उनकी कंजम्पशन के लिए सेफ़ है। तो बेसिकली जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं या पेस्ट होते हैं उनका जो गट है इट इज़ एल्कलाइन, लेकिन जो हमारा ह्यूमंस का अगर हम देखें तो HCl होता है हमारे स्टमक में, सो हमारा जो गट है एसिडिक। तो इसलिए जो बीटी है ये सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में ही एक्टिवेट होता है। लेकिन इससे कुछ कंसर्न्स डेवलप हुई वेरियस क्वार्टर्स में, जैसे सबसे पहले जो कैपेबिलिटी है ऑफ GMO टू एस्केप एंड पोटेंशियली इंट्रोड्यूस द इंजीनियर्ड जीन्स इनटू वाइल्ड पॉपुलेशंस। तो ये एक सबसे बड़ा डर है कि जो हमारे नेचुरल स्पीशीज हैं मे बी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इन वजह से कि हमने इंजीनियर्ड स्पीशीज ऑलरेडी डाल दिए हैं। एंड जैसे अगर हम HT कॉटन की बात करें तो जो बोलगार्ड 3 है तो उसकी प्लांटेशन के ऊपर भी गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसको अच्छे से रेगुलेट नहीं किया गया। एंड जो डर है वो क्या है कि अब उनकी क्रॉस पॉलिनेशन से मे बी जो सराउंडिंग एरियाज होंगे जहां पर हमारा नॉर्मल जो बीटी जो बोलगार्ड 2 कॉटन है वो उग रहा है, तो अब वहां से जो ट्रेड्स हैं वो उन पौधों तक जा सकते हैं। एंड जो इंसेक्ट हैं मे बी वो बीट जो हमारा बोलगार्ड 3 है उसके इंट्रोड्यूस होने से पहले ही हो सकता है कि उनके अगेंस्ट अपनी जो कैपेसिटी है या जो अपनी इम्यूनिटी है वो डेवलप कर लेंगे, तो अकॉर्डिंगली फिर वो यूजलेस हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक डर है। इसके बाद परसिस्टेंस ऑफ द जीन आफ्टर GMO हैज़ बीन हार्वेस्टेड द ससेप्टेबिलिटी ऑफ नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स, तो ये बहुत ज़्यादा है। अब कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जो सपोजिटली कोई प्लांट है उसको हार्वेस्ट कर लिया, क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद जो उसका असर है वो वहीं तक नहीं रहेगा, वो प्लांट में जो उसके सीड्स होंगे फर्दर या फ्रूट होगा उसमें वो चीज़ें जो जीन्स हैं वो आ चुके हैं। तो अकॉर्डिंगली अब जिनको हमने टारगेट नहीं भी करना था उनके ऊपर भी अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो उनके ऊपर डायरेक्ट उसका असर देखा जा सकता है। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ द जीन, तो रिडक्शन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ अदर प्लांट्स इंक्लूडिंग लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो अकॉर्डिंगली ये भी एक कंसर्न है कि ऑल्दो जो पेस्ट हैं वो क्रॉप के लिए हो सकता है कि हानिकारक हों, लेकिन वो बायोडायवर्सिटी का तो पार्ट है ही है, फूड चेन्स का पार्ट है, तो इसलिए जो स्टेबिलिटी है वो खतरे में आ सकती है। इसके बाद इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर, तो द एनवायरमेंटल सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ GM क्रॉप्स वेरी कंसिडरेबली अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशंस। तो अगेन अब जो हमारे केमिकल्स होंगे, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, उनकी जो यूसेज है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी GM क्रॉप्स के अकॉर्डिंग ही, तो इसलिए इट कुड अफेक्ट सम रीजन्स एंड इट मे नॉट शो द रिजल्ट्स इन द वंस जहां पर हमने उनकी टेस्टिंग की है। इसके बाद जो GM क्रॉप्स हैं दे आर डिज़ाइंड बेस्ड ऑन 3 बेसिक ट्रेट्स। तो वो 3 ट्रेट्स क्या हैं, एक तो रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट डैमेज, दूसरा है जो रेजिस्टेंस टू वायरल इन्फेक्शंस, एंड तीसरा है टॉलरेंस टुवर्ड्स सर्टन हर्बिसाइड्स। तो जो 3 हमारे बेसिक ट्रेट्स हैं इनको ध्यान में रखकर ही GM क्रॉप्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं, या तो इस तरीके के इंसेक्ट हैं जैसे हम बोलवॉर्म का एग्जांपल ले रहे थे, तो उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस चाहिए होती है। इसके बाद कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो जाती हैं हमारे जो क्रॉप्स हैं उनमें, स्पेसिफिकली जो फूड क्रॉप्स हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए भी GM क्रॉप्स डिज़ाइन होते हैं, या फिर फाइनली कुछ इस तरीके के हर्बिसाइड्स हैं जो प्लांट्स को की जो सारी फूड है वो ले जाते हैं एंड प्लांट्स दे स्टे अंडर नरिश। तो ये 3 रीजंस हो सकते हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम GM क्रॉप्स को डिज़ाइन करते हैं। जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, कोडेक्स ही बोलते हैं बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में इसको, तो ये FAO जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एज वेल एज जो WHO है, इनका जॉइंट एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है जो भी स्टैंडर्ड्स देने हैं या कोड्स ऑफ प्रैक्टिस, गाइडलाइंस या रिकमेंडेशंस देनी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल फूड। तो ये ही बेसिकली एक तरीके से रेगुलेट करते हैं हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर। एंड अगर हम
अडॉप्शन रेट्स देखें ऑफ मेजर जीएम क्रॉप्स, तो परसेंटेज वाइज जो ग्लोबल क्रॉप एरिया है 82% सोयाबीन है जो कि जीएम है, जीएम क्रॉप के तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद 68% इज़ कॉटन, उसके बाद 30% इज़ मेज़ एंड 25% इज़ कैनोला, ठीक है जी। एंड अगर हम मेजर जीएम क्रॉप्स देखें परसेंटेज ऑफ ग्लोबल एरिया अंडर जीएम किसका सबसे ज़्यादा है, तो वो भी सोयाबीन का सबसे ज़्यादा है। दूसरे पर हमारे पास मेज़ है, तीसरे पर कॉटन है एंड थर्ड वी हैव इज कैनोला। तो यहाँ पर फ़र्क है। जो एरिया अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर जीएम, तो वो सोयाबीन का पहले पर है, दूसरे पर मेज़ का है। एंड अगर हम एरिया वाइज वैसे देखें, क्रॉप एरिया वाइज देखें, तो सोयाबीन 82% है एंड 68% कॉटन है, इस पर मेज़ तीसरे नंबर पर है। एंड ऑफ द थ्री जीएम फूड क्रॉप्स जो इंडिया में कौन कौन से हैं, ब्रिंजल, मस्टर्ड एंड पोटैटो, तो ये तीन जीएम क्रॉप्स इंडिया में आ चुके हैं, लेकिन इनकी जो लार्ज स्केल जो कल्टिवेशन की परमिशन है वो अभी तक नहीं मिली। एंड जो ब्रिंजल है ये ही इकलौता ऐसा GEAC जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अप्रेजल कमेटी है उनका अप्रूवल सिर्फ अभी तक ब्रिंजल को ही मिला है। एंड बीटी ब्रिंजल के बाद ओनली जो परमिटेड जीएम क्रॉप है इन अवर कंट्री इंडिया, इट इज़ बीटी कॉटन, ठीक है जी। आगे हमारे पास रैमजेट है। तो रैमजेट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एयर ब्रीदिंग जेट इंजन जो इंजन के फॉरवर्ड मोशन को ही यूज़ करता है टू कंप्रेस इनकमिंग एयर विदाउट एनी एक्सियल कंप्रेसर और अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो इसके अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन होता है। यहाँ पर से जो इनकमिंग एयर है उसका जब एरिया एकदम रिड्यूस हो जाता है फर्दर, यहाँ पर आके स्पैन अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से जो इनकमिंग एयर है वो आती है एंड वो कंप्रेस हो जाती है। तो बेसिकली इसमें जो इंटरनल इंजन में कंप्रेसर होता है उसकी ज़रूरत नहीं है एंड अकॉर्डिंगली फिर ये ज़्यादा स्पीड तक पहुँचा पाता है जो पेलोड है उसको। तो दस रैमजेट्स कैन नॉट प्रोड्यूस थ्रस्ट एट जीरो एयर स्पीड, तो क्योंकि अब इनको फॉरवर्ड मोशन के थ्रू ही जो एयर है वो कंज्यूम करनी है, तो एक पर्टिकुलर स्पीड तक आपको ले जाना पड़ेगा रैमजेट इंजन को बाय यूजिंग द कन्वेंशनल फ्यूल्स, एंड उसके बाद जो रैमजेट इंजन है वो प्ले में आता है। तो इसलिए जो जीरो एयर स्पीड के ऊपर ये रिडंडेंट है, लेकिन उसके बाद अगर आप यूज़ करते हैं इसको तो ये हमें सुपर सोनिक स्पीड्स तक ले जाता है, जैसे Mach 3 है, Mach 3 से लेके अप टू Mach 6 तक द स्पीड कैन बी अचीव्ड। बट जैसे जैसे जो स्पीड है रैमजेट की वो बढ़ती जाती है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। स्पेसिफिकली ये Mach 6 के बाद देखा गया है, क्यों, क्योंकि जो एयर टेम्परेचर है फ्रॉम द इनलेट उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है ड्यू टू कंप्रेशन इफेक्ट, एंड इसीलिए एज द इनलेट टेम्परेचर गेट्स क्लोजर टू द एग्जॉस्ट टेम्परेचर तो जो एनर्जी है उतनी हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते इन द फॉर्म ऑफ थ्रस्ट। तो इसी के बाद जो हमारे इंजन आते हैं दे आर स्क्रैमजेट, तो इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो कन्वेंशनल रॉकेट्स जो होते हैं दे कैरी फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन विच मेक्स अप अबाउट 3/4 ऑफ द लॉन्च वेट। तो जो मेजर, अगर आपने ध्यान दिया हो कभी फिजिक्स में +1 +2 में अगर आपने पढ़ा हो, तो जो मैक्सिमम वेट होता है जो भी हमारा रॉकेट है वो फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन का ही होता है किसी भी रॉकेट में। तो इसीलिए जो पेलोड है वो काफ़ी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, सो लार्ज पोर्शन ऑफ दैट इज लिक्विड ऑक्सीजन। लेकिन इफ़ द इंजन ब्रीथ एटमोसफेरिक ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कैरिंग द लिक्विड ऑक्सीजन, द पेलोड कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल वुड इंक्रीज ड्रामेटिकली। तो अगर हम जो एयर से ही ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लें रादर देन कैरिंग द लिक्विड ऑक्सीजन, तो काफ़ी ज़्यादा जो पेलोड है वो इंक्रीज कर सकते हैं हम। तो स्क्रैमजेट की फुल फॉर्म है सुपरसोनिक कम्बस्टिंग रैमजेट, एंड इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द ओनली 4 कंट्रीज जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है काम करने के लिए। तो इसमें प्रिंसिपल जो बेसिक क्या है कि जो एयर है इट गेट सक इन फ्रॉम द फ्रंट, जैसे हमने रैमजेट के केस में देखा फ्यूल जलता है इन द मिडल एंड एग्जॉस्ट गैस कम्स आउट ऑफ द बैक जनरेटिंग थ्रस्ट। तो बेसिकली उसी प्रिंसिपल के ऊपर, थ्रस्ट के ऊपर ही ये काम कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर्स हैं या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें जो हमारी थ्रस्ट है वो कम हो सकती है। सबसे पहले तो जो एयर इनलेट डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि मैक्सिमम कंप्रेशन करे एंड इसीलिए मैक्सिमम थ्रस्ट हम अचीव कर पाएँ। इसके बाद एयर की कंप्रेसिबिलिटी कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कितना कॉम्प्लेक्स
फ्लो है एयर का एंड कितने ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे रैमजेट के केस में हमने देखा था कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाते हैं तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसके बाद फ्यूल इंजेक्शन किस तरह है तरीके का है, तो ये सब चीज़ें इनहिबिट कर सकती हैं आपकी जो फुल एफिशिएंसी है उसको। सो दे आर हाईली इनएफिशियंट एट लो स्पीड्स वाइल देयर एफिशिएंसी इंक्रीजेज एट सुपरसोनिक स्पीड्स। तो ये रैमजेट सॉरी स्क्रैमजेट का एक पेक्यूलर फीचर है कि लो स्पीड्स के ऊपर काफ़ी इनएफिशियंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो इनकमिंग एयर है उसी का कंप्रेशन करना है, तो इसीलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना तेज़ हो उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी ये उतनी ज़्यादा स्पीड पर जाएंगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंट रहेंगे। सो सिंस देयर आर नो रोटेटिंग पार्ट्स इन स्क्रैमजेट, तो जो चांसेस हैं इसके फेलियर के वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। एंड इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी कि इसरो करंटली यूजेस द रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स जैसे PSLV टू डिलीवर सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट, लेकिन जो PSLVs हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेबल हैं, मीनिंग दैट दे कैन ओनली बी यूज्ड वंस एंड आर डिज़ाइन टू कैरी बोथ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, जैसे कि कन्वेंशनल रॉकेट्स के केस में हमने देखा है। लेकिन जो स्क्रैमजेट हैं वो एम्बियंट एयर को ही यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस फ्यूल, एंड इसी तरीके से दे कैन सेव ऑन द नीड टू कैरी ऑन ऑक्सीडाइजर, तो इसलिए हमें जो लीकड ऑक्सीजन है उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से ही हमारा जो पेलोड है वो बढ़ जाएगा। एंड जो हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैं जैसे स्क्रैमजेट है, इनको स्पेशल क्या चीज़ बनाती है, तो दे ट्रैवल एटलीस्ट 4 times फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड, जैसे कि हमने देखा 3 to 6 Mach की स्पीड तक तो ये आम ही चलते हैं। एंड इट फ्लाइज थ्रू द एटमोसफियर बिलो 90 kilometers एट स्पीड्स अबव 5 Mach, अ स्पीड वेयर डिसोसिएशन ऑफ एयर बिगिन्स टू बिकम सिग्निफिकेंट एंड हाई हीट लोड्स एग्जिस्ट। तो उस एरिया में जहाँ पर हमारे जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट हैं शायद फंक्शन ना कर पाएँ, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी से उड़ सकते हैं। एंड दीज एयरक्राफ्ट यूज द शॉक वेव्स जनरेटेड बाय इट्स ओन फ्लाइट, एज अ रिजल्ट इट लिफ्ट्स इट्स सरफेस टू एनहेंस द लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो टू रीच द हाइपरसोनिक रिजीम। तो खुद के जो एयरक्राफ्ट खुद ही शॉक वेव्स बना रहा है उनको ही ये यूज़ कर रहे हैं टू लिफ्ट देयर सेल्फ अप इन द एयर, एंड अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद इनकी फ़्लाइट चलती है। तो इसीलिए जो हाइपरसोनिक रिजीम है वहाँ तक पहुँचना ये अपने खुद के मोशन को ही या खुद के जो पाथ है उसको ही यूज़ करके वहाँ तक पहुँचते हैं। इसी के साथ रिलेटेड एक और चीज़ है एवटार, तो ये इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अभी तक ये सिर्फ कंसेप्चुअल फॉर्म में ही है, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ये मटेरियलाइज कर जाए। सो ये बेसिकली क्या करेगा, इट विल टेक ऑफ वर्टिकली एंड विल लैंड बैक ऑन रनवे। तो हम रीयूजेबल जो व्हीकल है उसको बनाने की ट्राई कर रहे हैं, जो टेक ऑफ तो वर्टिकली ही करेगा रॉकेट की तरह, लेकिन जो लैंड करेगा वो एयरक्राफ्ट की तरह करेगा। एंड द कॉन्सेप्ट इज डिजाइन टू यूज रैमजेट्स एंड स्क्रैमजेट्स फॉर थ्रस्ट, एंड ईच ऑफ दीज इंजन्स विल बी यूज्ड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फ्लाइट। तो दोनों को ही यूज़ करेंगे, रैमजेट टेक्नोलॉजी को भी एंड स्क्रैमजेट को भी। रैमजेट जो है वो लोअर स्पीड्स तक रहती है, लेकिन अगर आपने हाइपरसोनिक स्पीड्स तक जाना है तो उसके लिए स्क्रैमजेट चाहिए। एंड जो क्रायोजेनिक इंजन्स हैं व्हेन द क्राफ्ट रीचेज द एज ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे हमने वो 90 kilometers वाली चीज़ देखी थी। एंड इंडिया इसके अलावा भी, एवटार के अलावा भी, जो रशिया की एक NPO मैशिनोस्त्रोनिया नाम की कंपनी है, उनके साथ मिलकर जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल जिसको बोला जा रहा है, जिसमें स्क्रैमजेट यूज़ किया जाएगा एंड जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट 7 Mach होगी, वहाँ पर काम कर रहा है। तो ये ओनली वेंचर नहीं है जहाँ पर इंडिया जो हमारी स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है उसको लेवरेज कर रहा है, बल्कि DRDO जो है वो रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 के लिए भी काम कर रहा है बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी ओनली। इसके बाद हमारे पास ग्रीन प्रोपेलेंट है, जो कन्वेंशनल रॉकेट फ्यूल है हाइड्राजाइन बोलते हैं उसको, वो काफ़ी टॉक्सिक है एंड कैंसर कॉजिंग केमिकल है, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी सस्ता है तो अकॉर्डिंगली उसको यूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। लेकिन इसरो ने अब इनिशिएटिव लिया है कि वो एक सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड ग्लाइसिडाइल एजाइड पॉलीमर गैप नाम का फ्यूल बनाएंगे, जिसमें ऑक्सीडाइजर होगा अमोनियम डाई नाइट्रा अमाइड, एंड इसके ऊपर उन्होंने टेस्टिंग की है। तो इसमें रिजल्ट्स क्या हैं कि जो इसके एमिशन्स हैं वो क्लोरीनेटेड एग्जॉस्ट वाले नहीं हैं, तो क्लोरीन इसमें जो एग्जॉस्ट में नहीं निकलता, तो इसीलिए ये थोड़ा हमारे ओजोन लेयर के फ्रेंडली है। जैसे आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में कि जो क्लोरीन है, नेसेंट क्लोरीन होता है जब अपर एटमॉस्फेयर में, तो वो
वहाँ पर जो ओजोन के एटम्स हैं उनके साथ मिलकर ओजोन लेयर को तोड़ता रहता है एंड उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता रहता है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है क्लोरीन, लेकिन ये जो फ्यूल बोल रहे हैं इसरो वाले कि वो बना रहे हैं उसमें ये चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी। मोरोवर और भी कई तरह के ग्रीन प्रोपेलेंट्स हैं जिनकी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन लिए जा रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, कैरोसिन है, लिक्विड ऑक्सीजन है, लिक्विड मीथेन है, एडियन मिथेनॉल वाटर है एंड एडियन ग्लाइसरॉल वाटर है। तो ये सब चीज़ें हैं जो के पोटेंशियल ग्रीन प्रोपेलेंट की तरह काम में लाई जा सकती हैं। एंड इसरो ने ऑलरेडी जो अपना एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड ग्रीन प्रोपेलेंट का काम है उसमें लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन एज वेल एज लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन बेस्ड जो प्रोपल्शन हैं उनको यूज़ किया है, उनके ऊपर टेस्टिंग की है। एंड जो हमारा लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन है इट इज़ ऑलरेडी बींग यूज इन द क्रायोजेनिक अपर स्टेजेस ऑफ GSLV एंड GSLV Mark III। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को तो हम ऑलरेडी यूज़ कर भी रहे हैं, ठीक है जी। एंड ऑल्सो इसरो ने एक इसरो सीन नाम का एक रॉकेट ग्रेड वर्जन बनाया है कैरोसिन का, जो कि ऑल्टरनेटिव हो सकता है कन्वेंशनल हाइड्राजाइन जो रॉकेट फ्यूल है उसका। तो इनके नाम थोड़े ध्यान में रखिएगा, इसरो सीन क्या है एंड जो हमारा लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन किस में यूज़ हो रहा है, GSLV GSLV Mark III, ठीक है जी। इसके बाद एक और बॉडी है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, इंडिया में ही लोकेटेड है। तो ये एक प्रोपेलेंट ब्लेंड बना रहे हैं ऑन बेस्ड ऑन द हाइड्रोक्सल अमोनियम नाइट्रेट HAN। ये एक मोनो प्रोपेलेंट होगा। मोनो प्रोपेलेंट बेसिकली क्या होता है, केमिकल प्रोपल्शन फ्यूल है जिसमें अलग से कोई ऑक्सीडाइजर नहीं है, फ्यूल में ही ऑक्सीडाइजर है। एंड इनको यूज़ किया जाता है मोनो प्रोपेलेंट्स को इन द सेटेलाइट थ्रस्टर्स। तो जो सेटेलाइट की कोर्स करेक्शन है, ऑर्बिटल करेक्शन है या फिर जो उसकी ओरिएंटेशन है अगर उसको कंट्रोल करना है हमने तो वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। एंड जो हमारा ये HAN वाला मोनो प्रोपेलेंट है इसमें अमोनियम नाइट्रेट होगा जो कि उसकी कैपेसिटी टू बर्न रेट को कंट्रोल करेगा, मोर ओवर उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी लोअर रखेगा जो प्रोपेलेंट है उसका। एंड ऑल्सो इसमें मेथनॉल होगा जो कि उसकी कंबस्चन इनस्टेबिलिटी को रिड्यूस करेगा, यानी ज़्यादा यूटिलाइजेशन करवाएगा बर्निंग की। एंड फाइनली वाटर होगा। इसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट है। तो आजकल जो मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं उन पर स्पेसिफिकली मेंशन भी होती हैं ये चीज़ें, स्पेसिफिकली जो वन प्लस के मॉडल्स आते हैं उनके ऊपर पीछे स्टिकर लगा होता है। तो एब्जॉर्प्शन जो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट बेसिकली है क्या, ये मेजर है कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर रही है। तो ये जो रेडिएशन का सोर्स कहीं से भी हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपके अराउंड जो टावर्स हैं मोबाइल फ़ोन के वो हो सकते हैं, एंड इनफैक्ट जो अल्ट्रासाउंड है वो भी एक रीज़न हो सकता है कि जब आप टेस्ट करवाते हैं तो उसमें भी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशंस स्टोर कर लेते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इनको मेजर कैसे किया जाता है, दे आर मेजर्ड इन वॉट्स पर किलोग्राम। एंड एक फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन है FCC जिसने लिमिट किया है कि 1.6 वॉट्स पर किलोग्राम तक ही SAR लेवल होना चाहिए फॉर पब्लिक एक्सपोजर फ्रॉम सेलुलर टेलीफोन्स या फिर सेलुलर टेलीफोन्स जो हमारे हैंडसेट्स हैं वहाँ से, ठीक है जी। लेकिन ये जो वैल्यू दी हुई है ये ऐसे मैक्सिमम हमें वो नहीं बता रही कि मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट नहीं बता रही कि यहाँ तक आपकी बॉडी सेफ है, बट उल्टा बता रही है कि इससे ज़्यादा अगर होंगे तो शायद बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो द लिमिट दे आर नॉट इंटेंडेड ओनली टू इंश्योर दैट द टेलीफोन द सेल फोन्स डज नॉट एक्सीड द FCC's परमिसेबल एक्सपोजर लेवल्स। तो इससे ज़्यादा तो हर हाल नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो ये ऐसे श्योरिटी नहीं दे रही कि यहाँ पर आपकी बॉडी सेफ है या यहाँ पर एक्सपोजर सही है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा होगा तो ज़रूर ही ज़रूर कुछ ख़राब होगा। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। तो द मिशन एनविसाजेस एम्पावरिंग आर नेशनल एकेडमिक एंड R&D इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस स्प्रेड ओवर द कंट्री बाय इंस्टॉलिंग अ वास्ट सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़। तो इसमें हम इन्विजन कर रहे हैं, हमारा ये सपना है कि जो हमारे नेशनल एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड
बने एक पूरा एंड जिसमें 70, कम से कम 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। तो दीज कंप्यूटर्स दे वुड बी नेटवर्कड ऑन द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड ओवर द नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो आई होप आपको नेशनल नॉलेज नेटवर्क के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो इसके बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे हायर एडुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं बेसिकली उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कर रहा है थ्रू इंटरनेट। ठीक है जी, तो द मिशन वुड बी इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर है। एंड फाइनली हमारे पास एकोस्टिक ट्वीजर्स हैं, जो कि साउंड वेव्स की हेल्प से जो हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करेंगे। तो इनकी एप्लीकेशन कहाँ पर होगी, दे कैन बी यूज टू स्टिच इंटरनल इंजरीज, या फिर किसी पर्टिकुलर हमारी जो ऑर्गन है उसको अगर ड्रग्स देने हैं, कुछ मेडिसिन पहुँचानी है अंदर ही बॉडी के, तो वो भी काम ये एकोस्टिक ट्वीजर्स के थ्रू किया जा सकता है। जो इनका अगर हम इक्विपमेंट की बात करें या एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या एक्सपेंसिव नहीं है, एंड इनफैक्ट दे आर प्रूवन टू बी सेफ टू बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। तो जो हमारे बायोमेडिकल एप्लीकेशन हैं उसके लिए आइडल टूल है ये। मोरोवर जो इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो ऑप्टिकल ट्वीजर्स जो कि लाइट का यूज़ करेंगे उनसे, उनके कंपेरेबल ही हैं, एंड इनफैक्ट उनसे बेहतर मानी जा रही हैं, क्योंकि जो लेज़र्स हैं वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडिया के थ्रू ही ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे एकोस्टिक डिवाइसेस हैं वो इसीलिए उनसे बेटर हैं कि दे आर 1 लाख टाइम्स मोर पावर एफिशिएंट देन ऑप्टिकल सिस्टम्स। तो ये कुछ यूटिलाइजेशन देखी हमने एकोस्टिक ट्वीजर्स की। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।